हेलो दोस्तों, मैं सौ सौ चैनल में स्वागत है। आज हम एक बात करेंगे स्टॉक के बारे में। जिस स्टॉक का नाम है आप देख पा रहे हैं, इस स्टॉक का नाम BASF। BASF बहुत बढ़िया स्टॉक है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इसमें NSE में भी अवेलेबल है। ये BSE इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, ये कंपनी का जो हम चार्ट देखेंगे, वन डे कैंडल चार्ट में आप देख सकते हैं। यहीं पर जो आप अगस्त महीने का जो चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट यानी ब्रेकआउट कैंडल बना है, यानी ग्रीन कैंडल बना है। और बहुत दिन के बाद गिरावट, चार पांच कैंडल गिरावट के बाद एक ब्रेकआउट कैंडल बना है। यहाँ से यही आसपास में आपको खरीदन CNC में होल्डिंग करना चाहिए, 3400 टू 3500 के बीच में। और वहाँ का टारगेट रहेगा 3800 तक टारगेट रहेगा, यानी 100 पॉइंट पे आप टारगेट अगर अचीव कर देते तो आपके लिए बहुत है। तो आपको इसलिए 3800 तक टारगेट दिया जाता है कि अगर होल्डिंग ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो अभी 3800 पार होकर क्रॉस कर जाएगा। तो आपको 3700 तो ज़रूर अचीव होने दिखाई देगा। तो कम से कम आपको इसी रेंज के आसपास में आपको खरीदना है, 35 टू 34 के बीच में आप खरीदें जो प्राइस मिल रहा है। और आपका टारगेट रहेगा 3700 फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 3800। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, नमस्कार।